नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोवल में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। तो फाइनली आज जो है बेस वेरिएंट हम लोगों को मिल चुकी है फ्रॉन्स की, जो कि आपकी सिग्मा वेरिएंट होने वाली है। तो कुछ इस टाइप की चाबी मिल जाती है इसके अंदर, सुजुकी का लोगो जो है वो मिल जाएगा, लॉक अनलॉक के बटन जो वो मिल जाते हैं। अब इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग जो है उस पर बात करने वाले हैं, और ओवरऑल लुक जो है इसका कैसा होने वाला। तो एक बार जो है 360 डिग्री का वॉक अराउंड जो वो आप देख लीजिए। व्हील कैप मिल रहा है इसके अंदर, क्लैडिंग वगैरह जो है वो मिल जाती है, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर बैक प्रोफाइल में आ जाए तो वन सेकेंड यहाँ पे ना आपको जो स्टाइल है ना, रेयर एलईडी कॉम्बिनेशन लैम्प का आप देख लो, कुछ इस टाइप का आइस क्यूब टाइप का जो वो मिल जाता है। बट इसके अंदर जो है आपको कनेक्टिंग वाला स्टाइल जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। फ्रॉन्स की बैजिंग जो वो मिल जाएगी। अब फटाफट से चलते हैं हम लोग इसके फ्रंट प्रोफाइल पे, और फ्रंट प्रोफाइल पे चलेंगे तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इधर जो है आपको क्या क्या फीचर्स जो है मिलने वाला है। तो फ्रंट के अंदर आपको देखेंगे तो बड़ी सी ब्रॉड से ग्रिल जो वो मिल जाती है, सुजुकी का लोगो वो मिल जाएगा। सामने ढेर सारा क्रोम का वर्क जो वो मिल जाता है। और अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया, हाई बीम लो बीम सिंगल फंक्शनल है। यहाँ पे आपका पायलट लैम्प जो है वो यहाँ पे, उसके अलावा जो आपका इंडिकेटर है वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जो इसका बम्पर वगैरह है वो डुअल टूर के अंदर है, सिल्वर फॉर्म के अंदर इसके स्किड प्लेट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। 190 mm का जो है ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी इसमें आपको दे रही है, ताकि आप रफ पैचेस वगैरह पे जो है इजीली इसको लेके ड्राइव कर सकते हैं। साइड में देखेंगे तो फेंडर पे आपको जो इंडिकेटर है वो मिल जाता है, उसके अलावा क्लैडिंग वगैरह जो है वो भी मिल जाती है। और यहाँ पे आप सुजुकी का लोगो जो है वो देख सकते हैं, गुडियर्स के टायर मिल जाएंगे। उसके अलावा 195/65/16 inches का स्टील रिम, फ्रंट के अंदर वेंटिलेटर डिस्क ब्रेक वो मिल जाता है। जो आपका ओआरवीएम वगैरह है वो ब्लैक कलर के अंदर रखा गया, ए पिलर जो है वो बॉडी कलर के अंदर रखा गया, जो इसके रूफ रेल्स वगैरह है वो भी ब्लैक कलर के अंदर आ जाते हैं। उसका शार्क फिन एंटीना वगैरह जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा दूर अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के जो इसके डोर हैंडल्स वगैरह है वो दिख जाते हैं, क्लैडिंग वगैरह जो है वो भी मिल जाएगी। फ्रंट के अंदर जो है वेंटिलेटर डिस्क ब्रेक है, रेयर में जो है आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। क्वार्टर पैनल ग्लास वगैरह जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग वगैरह जो है वो मिल जाएगी। बैक प्रोफाइल के अंदर इसका रेयर एलईडी कॉम्बिनेशन लैम्प जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सुजुकी का लोगो वो मिल जाता है, कैमरा नहीं आ रहा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी नहीं आती है इसके अंदर। बाकी बात जो अपना चार पार्किंग सेंसर्स वगैरह है वो आपको जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपके रिफ्लेक्टर्स हो गए, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आपका स्किड प्लेट वगैरह है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको फ्यूल कैप वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस साइड भी जो क्लैडिंग वगैरह है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इस साइड भी जो फेंडर पे आपको इंडिकेटर है वो मिल जाता है। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर और चेक कर लेते हैं कि इसके इंटीरियर में जो है आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट के हिसाब से जो फीचर्स दिया गया है ना, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट का बटन जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पे ESP का बटन जो है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको AC वेंट के अंदर जो है ना कार्बन फिनिशिंग वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसिंग जो है वो स्पीकर आई थिंक इसके अंदर नहीं आ रहा, बॉटल का स्पेस जो वो आ जाता है। चारों पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको ऑटो का फीचर जो है वो भी मिल जाएगा। और गाड़ी जो है ना वो आपको इग्निशन से स्टार्ट करनी पड़ती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका स्पीडोमीटर जो है कुछ इस टाइप का होने वाला है, आपको 0 से लेकर 8 तक की मार्किंग जो वो दिख जाती है। यहाँ पे आपको 0 से लेकर 220 तक की जो मार्किंग है वो दिख जाएगी। सेंटर के अंदर जो अपनी MID है उसको भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सारा इन्फॉर्मेशन जो है कौन सा डोर ओपन है क्लोज है वो सारा कुछ आप देख पाएंगे। जो अपना AC है ऑटोमेटिक AC आ जाता है बेस वेरियंट से ही, काफ़ी अच्छी बात है। क्लाइमेट कंट्रोल AC, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक जो है वो भी मिल जाता है। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन जो है आप शोरूम से लगवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये वाला स्पेस यहाँ पे फिलहाल खाली छोड़ दिया गया, बेस वेरिएंट के हिसाब से रखा गया सब कुछ यहाँ पे। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। अब प्राइसिंग भी जो है ना काफ़ी रीजनेबल प्राइस जो है इसकी होने वाली, वो क्या मैं आपको बता दूंगा। अपना हैजार्ड लैंप का स्विच इधर देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे भी AC वेंट्स वगैरह जो वो मिल जाते हैं। डुअल टोन के अंदर जो इसका इंटीरियर रखा गया, ग्लो बॉक्स वगैरह जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपना IRVM वगैरह जो है वो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो एयरबैग की इंबोजिंग जो है वो मिल जाती है सनशेड पे। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको सिंपल सा ही रखा गया, 2 एयरबैग्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर पीछे की बात कर लें तो पीछे जो है आपको पांचों ही तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तीनों हेडरेस्ट को जो है आप देख सकते हैं, तीनों एडजस्टेबल रखे गए हैं। हालांकि सेंटर के अंदर जो है आर्मरेस्ट वो नहीं आ रहा है, AC वेंट भी नहीं आता, चार्जिंग सॉकेट जो वो जरूर आ जाएगा। स्पेस पीछे काफ़ी ज़्यादा, बलिनों का ही प्लेटफॉर्म है तो स्पेस की कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। अंदर थाई सपोर्ट के लिए जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाता है। पार्शियल ट्रे जो है वो नहीं आ रहा है। आपका ग्रैब हैंडल वगैरह जो वो देख लीजिए। कैबिन लैम्प जो है वो आपको सिर्फ एक ही मिलता है, रीडिंग लैम्प जो है इसके अंदर आपको नहीं आएगा, ठीक है। पीछे अगर आ जाए तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो जरूर मिल जाता है।
तो आप देखिए कुछ इस टाइप का। बेस वेरिएंट में भी आपको 60-40 रेशो स्प्लिट वाला जो सीट है वो मिल जाता है, 3 हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, और यहाँ आप देखिए गुडियर्स के टायर मिल जाते हैं। और ये इसका प्रोफाइल अगर बात करेंगे तो 165/65 16 इंचेस का स्टील रिम वो मिल जाता है, लगेज हुक वगैरह जो वो मिल जाएगा, अपना सारा टूल वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना हुआ है इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके इंजन कंपार्टमेंट में और देख लेते हैं कि किस टाइप का इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है वो मिल जाता है। फ्यूल टैंक वगैरह जो है ना वो 37 लीटर का ही मिलेगा इसके अंदर आपको, और बोनेट जो है वो आप यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे आप इसके 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन को देख सकते हैं। के सीरीज का इंजन है, ठीक है, और एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या, और डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा बोनेट पे आपको इंसुलेशन का वर्क वगैरह जो है वो मिल जाएगा, जो कि NVH लेवल वगैरह को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये जो है सेम आपको बलिनो वाला इंजन है वही मिलता है। उसके अलावा अगर आप अपर वेरिएंट में जाते हैं तो उधर जो है आपको टर्बो का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन होने वाला। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात कर ले तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ESP भी जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है, प्लस 2 एयरबैग्स जो है वो भी मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो 7,46,500 इसकी एक्सोरूम प्राइस है, जो ऑन रोड प्राइस होगी अप्रॉक्स। अगर मेरे को प्राइस शोरूम पे अवेलेबल हो जाता है तो मैं ऑन रोड प्राइस जो है वो धनबाद का मेंशन कर दूंगा। बाकी बात अगर आप वीडियो को धनबाद से देख रहे हैं या धनबाद से नज़दीकी किसी भी जगह से देख रहे हैं, बोकारो वगैरह से, तो आप धनबाद नेक्सा को कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने शोरूम का पूरा डिटेल वगैरह जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।